अलमेक मैं हूँ मुख्तार अहमद वच्छी यूनिवर्सिटी के कोर्स एम जी टी फाइव जीरो वन के साथ दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आई एम हेयर टुडे विद अब लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू सो शुड स्टार्ट इट आई होप वी आर डूइंग फाइन एंड यू आर गेटिंग इट ईजी एंड कंफर्टेबल और आपके लिए इसको समझना अब आस्ता आस्ता ईजी होता जा रहा है क्योंकि आई आई बिलीव हमने काफ़ी सारे लेक्चर आपके बेस जो बेसिक बेसिक जो है आपके कंपोनेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर किए हैं तो अब तो आस्ता आस्ता चीज़ें आसान होनी चाहिए तो शुड स्टार्ट लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज सेशन

वी हैव टू प्लेस द पर्सन द हैरी एंड दैट विट्स स्टार्ट विद दोशलाइजेशन प्रोसेस तो हमने उसको ओरेंटेशन भी कहा था एंड वी स्टार्ट विद दर्पज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन वाई इट इज इंपॉर्टेंट वाई शुड आर्गनाइजेशन स्पेंड रिसोर्स टाइम फॉर दिस ओरटेशन एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम कवर की थी और वी ट्राई टू कम्प्लीट दिस

स्टेप्स जो थे इंटरव्यू सेलेक्शन बैकग्राउंड चेक एंड सो ऑन वी ट्राई टू डिस्कस दोज थिंगस एंड देन फाइनली वन दे वर इन दे वर गिवन दिस सोशलाइजेशन ट्रेनिंग दिस और ट्रेनिंग वी कॉल इट समाइम और इस फिर इसका हमने थोड़ा सा डिटेल में भी देखा कि इसके मकासद क्या है रीज़न क्यों है क्यों करते हैं और कैसे करना चाहिए सो so नाओ ट्रेनिंग एंड आई बिलीव द लास्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर वी जस्ट स्टार्टेड द ट्रेनिंग जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर्स का जो शुरू करना होता है उसके कुछ पार्ट्स को आपके लिए जस्ट फॉर फूड फॉर थाट आपके लिए कि आप देखें कि आगे क्या पढ़ना है हमने तो मैंने ट्रेनिंग को डिफाइन किया था ट्रेनिंग होता है क्या क्यों करते हैं तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को भी डिस्कस किया था और याद होगा आपको ट्रेनिंग है क्या चीज वॉट इज ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज बेसिकली प्रोसेस वेयर बाई पीपल कैपेबिलिटीज स्किल्स आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं ताकि आपके अंदर कोई कैपेबिलिटीज डेवलप हों आपके अंदर कुछ स्किल्स बने ताकि आप कुछ ऐसे काम कर सकें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है दैट इज ट्रेनिंग बेसिकली लेट्स सी वट वी आर स्पोज टू कवर टूडे हाँ यही है ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर भी और नेक्स्ट जो ट्वेंटी थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम ट्रेनिंग पार्ट को ही कवर करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग इन ए डिटेल वे विद द लर्निंग थ्योरी एंड एम्प्लाय ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल

इट माइट बी समथिंग न्यू टुडे यूर लर्निंग समथिंग टूमारो यूल रिक्वायरिंग समथिंग डिफरेंट नॉट ओनली एट योर प्रेजेंट पोजिशन बट माइट बी फॉर योर फ्यूचर कैरियर सो ये लर्निंग का जो पार्ट है ये कंटिन्यू रहता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसके बारे में एफर्ट करते रहना चाहिए Remember what we started in—I think it, it was in lecture second lecture, lecture number three—that what are the challenges of today's organization as far as HRM is concerned, and we, we we gave four four challenges, four issues. That was to attract people, to develop people, to motivate them, and ultimately to retain them. So how you can develop them, how you can keep them motivated, and this is also human psychology that you want that you should continue grow.

द लर्निंग थ्यूरी वॉट इज लर्निंग बाय द वे लर्निंग किसको कहते हैं इज अ रेलेटिवली परमानेंट चेंज वेन देर इज इफ यू आर यूर स्टार्टिंग समथिंग यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग और अगर इसके अंदर थोड़ा सा आप फील करते हैं कि आपके डिलीवरी में आपकी स्किल्स के अंदर आपकी नॉलेज के अंदर कुछ चीज बढ़ी है चेंज हुई है और इट इज ए काइंड ऑफ परमानेंट चेंज वुल से दैट दैट पर्सन हैज लर्न समथिंग गाड़ी चलानी नहीं आती आपको आपने सीखा लर्न किया एंड नाउ यू कैन इजिली ड्राइव योर कार तो कह सकते हैं कि आपने गाड़ी चलाना सीखा लर्न किया आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता यू हैव स्टार्टेड टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम समबडी यू स्टार्टेड लर्निंग दिस थिंग तो जब आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आ गया तो हम कहेंगे कि आपने सीख लिया यू हैव लर्न समथिंग So, it is kind of relatively permanent change in your attitude, your behavior, your knowledge, your skills, whatever. So, that we can say it is a, it is you have learned something, it was learning process. So, what is learning? Now, is direct to learn. It can be indirect learning. You have just observed somebody doing something and you have picked it. So it can be direct or indirect. Both way we can say. But remember, it is relatively, you should have some kind of changes there in your behavior or your performance. Now we can say it is the learning has been taking place. Or learning agnation can cook. वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सरा आजकल हम मैनेजमेंट की कोई भी बात को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है और दिस इज ऑलवेज बीन टेकन एज ए पॉजिटिव थिंग तो लर्निंग ऑर्गेनाइजन वो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिसके एम्प्लाई कोशिश करते रहते हैं कि वो लर्न करें चीज़ों को नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है नई जो एटीट्यूड आ रहे हैं नए जो बिहेवियर डिवेलप होते जा रहे हैं तो क्विकली एडजस्ट दैम इन द चेंगे एन्वायरमेंट रिमेंबर वी सेट दैट चेंज एज द एन्वायरमेंट चेंज एंड दैट विल बी मेक गिव यू दैट कम्पेटेटिव एडवाटेज इन द मार्केट सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो लोग होंगी वो अदारे होंगे वो इंस्टीट्यूशन होंगे जिनके एम्प्लाईज जिनके एम्प्लायर इवन कंटिन्यू एफर कर रहे होते हैं कि उनके लोग जो हैं वो उनका लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे सो द बॉटम लाइन इज वाई वाई वी आर टाकिंग ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज

द बिहेवियर इन द परफॉर्मेंस एंड उसको यूज भी कर सकें अपने अदारे के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बट तेरा सम चैलेंजेस टू इट इज नॉट सो इजी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं क्या जिस मसले के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ लर्न करवाना चाह रहे हैं वेदर दैट ट्रेनिंग इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सो दिस इज वन इशू वन चैलेंज वाइल डिसाइडिंग अबाउट आर थिंकिंग अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट और क्या जो हम गोल्स फिक्स कर रहे हैं अपने सामने ला रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रेनिंग अर्दे क्लियर एंड रियलिस्टिक आपने ये पढ़ना शुरू किया ये ट्रेनिंग लेनी शुरू की ये तो नहीं सोचा कि मैं एक रात के अंदर एक्सपर्ट हो जाऊंगा ये तो नहीं आपके जहन में है गोल है कि देन आई डोंट नीड एनी मोर ट्रेनिंग

amount of money on certain kind of trainings of their employees so you have to also see whether it is worth of spending that much money there or not is training a good investment because if you are not getting any result out of it then what is the big fun of having those trainings there similarly will the training work again same thing training Why do we need training? That job behavior and behavior doesn't mean only just the behavior of the person. उस job का जो outcome है वो properly नहीं है लोग satisfy नहीं है आपके आपके customer आपके आपसे satisfy नहीं है उनके लिए उनका knowledge और जो आपके employees हैं आप फील करते हैं कि उनका नॉलेज और स्किल जो है वो प्रॉपर नहीं है उनका दैट इज इट्स मीन यू नीड ट्रेनिंग आप किसी से किसी इंस्टीट्यूशन के साथ डील करते हैं लेट्स सी यू आर गोइंग आउटसाइड इन द मार्केट एंड आस्किंग ए टेलर दैट यू नीड ए ड्रेस अपने कपड़े बनवाते हो तो उसके कपड़ों से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वट है समथिंग इज दर समवेयर ना अब जो उसका ओनर है उसको समझना चाहिए कि मेरे कस्टमर जब मेरे इस पर्टिकुलर जो टेलर है इसकी स्टिचिंग सेटिस्फाई नहीं है तो समथिंग इज रांग समवेयर वो ये भी हो सकता है कि मशीन खराब हो ये भी हो सकता है कि वो जो बंदा जो कपड़े सी रहा है उसकी स्किल्स और ट्रेनिंग उसको प्रॉपरली नहीं है सो देन नेचुरली दे विल फिगर आउट कि अच्छा अगर मशीन भी ठीक है सब कुछ uh, सही है तो फिर प्रॉब्लम तो उस जो पर्सन है जो कर रहा है काम उसके साथ है इट्स मीन इफ दे विल अरेंज सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर हेम और हर तो वो जो है वो जो प्रॉब्लम है उस ट्रेनिंग से सॉल्व हो सकता है तो दिस इज हाउ ट्रेनिंग नीड जो है वो ओरिजिनेट होती है किसी भी कैपेसिटी में किसी भी पोजिशन के अंदर सो लेट स्टार्ट देन मुख्तफ जो आस्पेक्ट हैं ट्रेनिंग के उनको कवर करते हैं तो आई बिलीव दिस टाइम इट इज क्लियर यू नो माइंड कि ट्रेनिंग है क्या चीज ट्रेनिंग थीरी क्या है क्यों कराते हैं हम ट्रेनिंग अब चलते हैं आगे इसके थोड़ी सी फार्मल आस्पेक्ट देखते हैं एंड ट्रेनिंग जो फेजेज हैं मुख्तलिफेज से ये ट्रेनिंग प्रोसेस गुजरता है वो चार फेजेस क्या क्या हैंट्स गो थ्रू दो वन बाई वन नीड असेसमेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली if our organization has to decide what kind of training, they have to arrange for their employees. the first step is, the first phase is to assess the need. what is the issue? why we want to arrange training? then, after assessing the training need, you will design the training. what content will be covered in that training? क्या सिखाया जाएगा कैसे सिखाया जाएगा एंड थर्ड फेज शुड भी किस तरह कराया जाएगा ट्रेनिंग कौन कराएगा और कैसे कराई जाएगी ऑफकोर्स यहां तो काम खत्म नहीं हो सकता ना देर मस्ट बी अनदर स्टेज अन अदर फेज एंड वट दैट शुड बी यस यू है वेल्यू एट कि क्या जो मैंने काम करवाया जो ट्रेनिंग करवाई उसका कोई फायदा भी हुआ कि नहीं डिट इट वर्क हाउ विल वी नो दैट इट इज इफेक्टिव इट हैज इफेक्टिव इट हैज क्रिएटेड सम चेंजेस देयर तो ये चार स्टेजेस हैं चार फेजेस हैं ट्रेनिंग की लेट्स गो वन बाई वन अगेन एंड लिटिल बिट इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आई आई हैव अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ बैचलर लेवल कोर्स दैट इज वाई एम गोइंग इन दैट डिटेल सो दैट एवरीथिंग शुड भी क्लियर यू माइ सो नंबर वन द फेज वन द नीड असेसमेंट जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखना है कि कितने लोग हैं जहां पर आपको डेफिशियंसी नजर आ रही है हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव इन यूर आर्गेनाइजेशन वेर यू आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ डेफिशेंसी विच कैन बी ओवरकम थ्रू ट्रेनिंग कुछ चीज़ें तो नेचुरल होती हैं वो तो चेंज नहीं हो सकती ना लॉन्ग टर्म पे लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप ट्रेनिंग और टीचिंग से उनको सिखा के उनको लर्न करवा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं और वो जो स्किल डेफिशेंसी है उसकी सिविरिटी क्या है कितना सीवियर प्रॉब्लम है शुड यू इमीजिएटली एड्रेस इट शुड यू गो विद द टाइम क्या उसको इमीजिएटली रिप्लेस करके कुछ और बंदा वहाँ एड कर लें ताकि वो बिल्कुल सारा काम ख़राब ना हो जाए आपका सो दैट इज़ आल्सो यू आर लुकिंग ड्यूरिंग द नीड असेसमेंट एंड हाउ इम्पॉर्टेंट द स्किल इज इन अ बिग पिक्चर वेन वे टाकिंग बॉट द होल ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन से इवेंट्स हैं कहाँ कहाँ आप ट्रेनिंग के जरिए उस डेफिशंसी को ओवरकम कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन डिटर्मिन द ट्रेनिंग नीड्स जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि चीज़ प्रॉपरली नहीं हो रही ये कुछ पॉइंट्स हैं आपकी बुक के अंदर भी होंगे सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है माई सेल्फ आई कैन फील दैट ओके हे आर एम डेफिशेंट लाइक यू इफ एन यू आर स्टडिंग यू माइट बी फीलिंग कि ये एरिया ऐसा है कि जहाँ मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है कुछ लोग होते हैं कि उनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती मैथ में थोड़े से वीक होते हैं कुछ लोग होते हैं कि वो उनकी मेमोरी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो उनको मेमोराइज़ नहीं कर सकते चीज़ें सो वेरा सबसे इंपॉर्टेंट तो खुद है ना कि आप यू सेल्फ असेस वो एम्प्लाईज़ वो लोग वहाँ के ख़ुद उनको एहसास होता है कि यस दे आर डेफिशेंट देयर आप किसी से काम करवा रहे हैं यू कैन आल्सो सी कि इसको प्रॉपरली नहीं आ रहा कंपनी रिकॉर्ड आपका बताता है आपको उसकी कंप्लेन उसकी गलतियाँ वो जो प्रॉब्लम आए थे ऑर्गेनाइजेशन वो सारा चीज़ें भी इंडिकेट करती है कि वे इज समथिंग रॉन्ग समाइम कस्टमर कंप्लेन योर कस्टमर्स आर वेरी गुड जज दे कैन गिव यू गाइडलाइन दे कैन प्रोवाइड यू द गाइडलाइंस दे कैन सजेस्ट यू कि ये यह, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है इसकी वजह से वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये एरिया ये पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं ये पर्टिकुलर जो इशू है इसको एड्रेस करना चाहिए सिमिलरली वन दर इज़ न्यू टेक्नोलॉजी तो नेचुरली

वो खुद भी असेस करते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है एंड यू कैन गो इन स्टेट दैट यू शुड बी वेटिंग दैट कस्टमर शुड कम एंड कंप्लेन वाई डेंट यू गो एंड गिव डू द सर्वे वाई डेंट यू गो एंड गेट द फीडबैक फ्रॉम दैम एंड दैट विल बी ए गुड इंडिकेटर फॉर यू वेदर यू नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर योर एम्प्लॉयमेंट फॉर योर एम्प्लॉज फॉर योर इंस्टीट्यूशन और फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल सिमिलरली ऑब्जर्वेशन मैथड आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं फ यूर मैनेजर कि कहां पर खामी रह गई है तो एनी वे दीज आर फ्यू थिंग्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट एन आइडिया दैट यस नाउ यू नीड टू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन तो तीन लेवल जैसे मैंने आपसे कहा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे और टास्क लेवल पे आप तीनों लेवल पे एनालिसिस करके आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कहां पर ट्रेनिंग का मसला है क्या एज ए होल आप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है ना हाउ कैन यू से दैट होल ऑर्गेनाइेशन नीड ट्रेनिंग यू माइट बी यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजीज आपके पास मशीनें प्रॉपरली नहीं, नहीं है आप प्रोसेस जो हैं वो पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं इसी वजह से आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस फर्क आ रहा है तो दैट इज ऑर्गेनाइजन लेवल एनालिसिस जहां पर आपको analysis, समझ आ जाएगी कि येस वी नीड नाउ चेंजेस एंड फॉर विद दो चेंजेस यू हैव टू ऑल्सो ट्रेन यूर ह्यूमन रिसोर्स सिमिलरली इंडिविजुअल लेवल पे और एक प्रॉपर टास्क भी को भी आप देख सकते हैं कि नहीं नहीं ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था इसको एज ए होल चेंज कर देते हैं ताकि एज इन ए कम्प्लीट पिक्चर यू कैन हैव द बेटर रिजल्ट और एफिशंसी आए तो तीन लेवल के एनालिसिस आप कर सकते हैं आर्गेनाशनल लेवल का एनालिसिस भी कर सकते हैं उस पर, पर्टिकुलर टास्क को डिवाइड करके उन टास्क को भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ ज़रूरत है चेंज की और ट्रेनिंग की And individual levels, maybe, so that you should move with the chaining environment. Let us move forward. In a way, you have to do the you have to conduct a gap analysis, and what is gap analysis? What you should be doing, and what actually it is there, the difference between those two things is the gap analysis. आजकल तो दुनिया में आपसे जैसे कहा था कि बेंच बड़ी आसान है आपके सामने सबकी आउटकम है एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस जो हर घरदारे की है वो आपके सामने होती है उनकी प्रोडक्शन कितनी है उनकी सेल कितनी है वो लोग कैसा काम कर रहे हैं मार्केट में उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है तो आपको खुद कहाँ पे होना चाहिए डिलीवरी वाइज कस्टमर सेटिसफैक्शन वाइज परफॉर्मेंस वाइज एंड वाट एक्चुअली यू आर डूइंग

एटीट्यूड वाइज उसका बिहेवियर वाइज उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज वाइज कि जो ट्रेनिंग आप उनको करवाना चाहते हैं उसके लिए उनका रेडीनेस होना बहुत जरूरी है हो सकता है कि एक खास ट्रेनिंग के लिए उनको तैयार करने के लिए उससे पहले एक बैक एक और पीछे जाके कुछ और ट्रेनिंग भी आपको करवानी पड़े कौन सी बेसिक स्किल्स चाहिए उस ट्रेनिंग को करने के लिए यू हैव टू डिटर्मिन डोज टाइप ऑफ थिंग्स

क्या उनको प्रैक्टिकल साथ खुद करवाना भी है सो माई डिफरेंट स्टाइल्स और फिर आपने यह भी देखना है कि किस तरह आपने वो जो लर्निंग होगी उसको ट्रांसफर करना है इन्हांस करना है उस ट्रांसफर को कि जहां पे उनकी परफॉर्मेंस है जहां पे वो जॉब है उस ट्रेनिंग का उस लर्निंग का उनको वहां पे फायदा भी हो रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आपने भी बड़ी दफा सुना भी होगा आपको बताया भी गया होगा कि किसी की भी लर्निंग जो है यह चीज़ों को रिमेंबर करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है किसके साथ लेट्स सी द मिनिमम रिमेंबर विल बी इफ यू विल ओनली हियर। खाली सुनने से थोड़ी बहुत चीज आप यार शायद याद रख सकें लेकिन अगर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो चांसेस है कि उस चीज़ को ज़्यादा रिमेंबर रख सकेंगे लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और एड कर दें कि यू शुड हेयर यू शुड सी इट एंड यू शुड डू इट तो चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है उसको रिमेंबर करने के लिए जो एरो शो हो रहा है इस प्लाज्मा के अंदर इस स्लाइड के अंदर इससे क्या जाहिर हो रहा है कि खाली सुनने से आपकी शायद उतनी चीजें याद ना रख सकें उतनी चीजों को आपके जो लर्निंग उतनी प्रॉपरली ना हो अगर उसको सुनने के साथ साथ आप देख भी लें तो वह बढ़ जाएगी लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी रिमेंबरेंस जो है सबसे ज़्यादा आपकी जो लर्निंग होगी वेन यू विल हेयर इट यू विल सी इट एंड सेम टाइम यू विल डू इट योर सेल्फ देन चांसेज आर देन प्रॉबिलिटीज़ यू विल रिटेन इट फॉर लांगर टाइम सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को जहन में रखें तो उस जो भी ट्रेनिंग आप डिज़ाइन कर रहे हैं जो भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो उसमें आपका उसी हिसाब से फिर वो चीज़ों को शामिल करें आप भी लेक्चर सुन रहे हैं अगर खाली ऑडियो होती तो खाली सुनते अब आप सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं एंड देन यू विल डू योर ओन होमवर्क लाइक यू विल डू एक्सरसाइज असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं तो ये तीनों चीजों करने से फिर क्या होगा कि आपको चीजें समझ आने शुरू हो जाएंगी लर्निंग आपकी बेहतर होने शुरू हो जाएगी कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप टीचर से लेक्चर सुन रहे होते हैं कोई भी वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन हल कर रहा है कुछ आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करें तो यू फील दैट ओ इट्स वेरी इजी आई कैन आई कैन अंडरस्टैंड दैट लेकिन आपने खुद हाथ से नहीं करते खुद उसको पढ़ते नहीं हैं देखते नहीं हैं सुनते नहीं हैं तो क्या होता है कुछ अरसे के बाद यू इट लेकिन जो चीज आपने अपने हाथ से की होती है उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं उसको देखा भी होता है किया भी होता है वो चीज इतनी आसानी से नहीं बोलती ठीक है ना लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टेज थ्री स्टेप थ्री यू कैन से स्टेज थ्री और फेज थ्री जो हम चार फेज देख रहे थे डिलीवरिंग द ट्रेनिंग नाउ यू एक्चुअली डिलीवर द ट्रेनिंग पहले आपने नीड असेस की फिर आपने उसको डिजाइन किया कि ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए किस स्टाइल से मैं करूंगा और अब थर्ड फेज थर्ड स्टेज इज डिलीवरिंग द ट्रेनिंग डिलीवरिंग से पहले थोड़ा सा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर लेना चाहिए थोड़ा सा इन हाउस उसकी एक्टिविटी देख लेनी चाहिए कि क्या इस ट्रेनिंग का फोकस ग्रुप के साथ Uh, करके कि क्या इसका कोई फायदा होता है कि नहीं होता एंड यू माइट प्रोग्राम देन यू हैव टू मेक सम लॉजिस्टिक डिसीजंस अगर इन हाउस ट्रेनिंग करवानी है किसी को कहीं भेजना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी ट्रेवलिंग कैसे होगी क्या क्या उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होगा इवन इन क्लासरूमिट मल्टीमीडिया यूनिट कंप्यूटर्स यूनिट स्क्रीन एवरीथिंग तो लॉजिस्टिक अभी आपने डिजाइन करना है एक्चुअल यू आर गोइंग द ट्रेनिंग सिमिलरली कैसे इंटरनल सोर्स यूज करेंगे एक्सटर्नल ट्रेनिंग के लिए यह भी आपने डिसाइज करनाट लर्निंग ट्रेनिंग आजकल नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वेब बेस्ड लर्निंग हो रही है सी आर नॉट सिटिंग इन द क्लास रूम आर वॉचिंग टीवी यू आर वॉचिंग द मॉनिटर दैट इज हाउ द लर्निंग इज टेकिंग प्लेस हाउस इज हाउ दिस ट्रेनिंग इज टेकिंग प्लेस कौन कौन से मैथड यूज कर सकते हैं हम ट्रेनिंग के लिए कुछ जहन में आते हैं Let's see. एक तो लेक्चर का तरीका है आपने शुरू से कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं फार्मल लेक्चर दिए जाते हैं केस स्टडीज के जरिए दूसरों के वाक्यात सुन के उनको केस एज ए केस उसको पढ़ के आपकी लर्निंग होती है कि यस दैट इज वट हैपन विद दैट पीपल, एंड दैट इज हाउ दे कंट्रोल दिस थिंग सो दैट इज ए लर्निंग प्रॉस दैट इज ए ट्रेनिंग यस सिमुलेशंस, आजकल इवन बिजनेस के अंदर हम मार्केटिंग गेम्स इस तरह के प्रोग्राम भी करते हैं सिमुलेशन होता है कि आप उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तरह क्रिएट करते हैं जो रियल एनवायरमेंट की तरह होती है और वहां पर आप वो सारा प्रोसेस करते हो कैसे सीखी थी आपने गाड़ी चलाना और लेट्स गो बैक जब छोटे से थे आपको साइकिल चलानी कैसे आई थी तो पहले तो आपने साइकिल को खड़ा किया होगा ना उसके पा बैठ के तो वो पाओ से पैडल चलाते कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो दैट वाज सिमुलेशन राइट रियलिटी में आपको सड़क पे नहीं भेज दिया गया इसी तरह कंप्यूटर पे आजकल बैठ के आप आप वीडियो गेम्स खेलते हैं और ड्राइव करते हैं गाड़ी इवन जो लोग स्पेस पे जाते हैं तो उनको शुरू में एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाती है ताकि वो, वो रियल वो रियल वो सिमुलेशन प्रोसेस uh, वहीं पे होता है ताकि उनको वो जो रियल स्पेस में जाकर एक्सपीरियंस होने यहां पे देख ली जाए और ये आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है ये भी तो एक मेथड है यहां पे कैसे लर्निंग ट्रेनिंग हो रही है आपके साथ वी आर यूजिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी द हेल्प ऑफ मीडिया इसमें फॉर्मल लेक्चर का तरीका भी है शायद शामिल लेकिन वो जो कन्वेंशनल तरीके हैं उसे हटके है थोड़ा सा उस तरह जो एक फॉर्मल लेक्चर क्लासरूम में बैठ के होता है जो इंटरेक्शन होती है वो इंटरेक्टर वो चीज मिसिंग है यहां पे लेकिन उसको आर्गोमेंट किया गया कि आप यू कैन कम बैक यू कैन राइट टू अस वी कैन राइट बैक एंड दिस इज हाउ वुल डू दिस ट्रेनिंग पार्ट उसके अलावा इंटर्नशिप कि आपको रियल इन्वायरमेंट में भेजा जाता है थोड़ा सिम्युलेशन एक, थो एक हाइपोथेटिक और एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है इंटर्नशिप में यह होता है कि जैसे आप स्टूडेंट लोग समर में हम उमून बिजनेस स्टूडेंट को भेजते हैं मुख्तलिफारों के अंदर देयर नॉइज देयर बट दे हैव टू गो एंड वर्क देयर इन द रियल एनवाइट विदल टीम दैट इज ऑल्सो ट्रेनिंग पार्ट एंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट मैंटरिंग एक दफा पहले भी मैंने इसका मैंटरिंग का जिक्र किया था कि ऑर्गेनाइजेशन नाउ असाइन सम सीनियर पीपल विद यू कि दे आर योर मैंटर एंड यू कैन वर्क विद दैम वो जो सीनियर लोगों के साथ मिलकर आप काम करते हैं देट इज योर लर्निंग दैट इज ऑल्सो ए ट्रेनिंग पार्ट तो मैंटरिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रेनिंग टूल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं डिस्कशन इज़ अनदर वे लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन के तौर पे भी ट्रेनिंग होती है इनफॉर्मल जो ट्रेनिंग या कॉर्पोरेट लेवल की जो ट्रेनिंग्स होती है ट्रेनिंग बेसिकली स्पेशली एट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट गेम्स अब गेम्स का मकसद यहां पर वो गेम्स नहीं है जैसे मैंने आपसे कहा था कि नाउ इवन द मैनेजमेंट स्टडीज मार्केटिंग यूज़ मार्किटिंग मार्केटिंग गेम्स ये भी एक सिमुलेशन कि, किस्म की ट्रेनिंग में आ जाता है लेकिन मुख्तलिफ किस्म की गेम्स बनाई जाती गेम्स के जरिए आपकी ट्रेनिंग होती है हमारे बिजनेस के अंदर जब हम बिजनेस की एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ पर एक मुख्तलिफ किस्म की लाइक स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट की जाती हैंज आप डेटा इनपुट करते हो वहां पर रियलिटी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते लेकिन कुछ अमाउंट आप उस स्टॉक में यूज करते हो और फिर रिटर्न देखते हो कि मार्केट की बाकी फोर्सेज इफेक्ट करती हैं तो उसके बदले में क्या रिजल्ट मिलता है तो द टाइप ऑफ गेम्स आर आल्सो गुड टूल्स गुड ट्रेनिंग मेथड्स के तौर पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं एंड रोल प्लेइंग वेरी गुड ट्रेनिंग मैथड अगेन आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एजुकेशन कि हम मुख्तु प्रोजेक्ट देते हैं अपने स्टूडेंट को तो उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी को हम सी ईओ बना देते हैं किसी को मार्केटिंग मैनेजर बना देते हैं किसी को एडवर्टाइजिंग का रोल दे देते हैं किसी को अकाउंट्स का रोल दे देते हैं एंड थ्रू दिस होल प्रोसेस दे डोंट ऑल

तो रोल प्लेइंग इज अनदर मैथड ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी है आजकल जिस तरह सीडी आ रही है आपके पास डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोग्राम है तो दैट इज ऑल्सो वन मैथड वीडियो ट्रेनिंग लाइक वी आर डूइंग दिस इज अनदर मैथड सो ब्रॉडर इंस्पेक्शन वी विल लुक एट द वर्क प्लेस ट्रेनिंग मैथड्स वी कैन डिवाइड डेम इन थ्री डिफरेंट ग्रुप वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड अदर वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड दैन यू कैन हैव इंडिविजुअलाइज कस्टमर टेलर एक मखसूस ट्रेनिंग पर्सन के लिए भी आप करवा सकते हो तो दो ट्रेनिंग जो है ब्रॉडर जो ग्रुप हैं उसको डिवाइड करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है जब आप ट्रेनिंग उसके वर्क प्लेस पर उसको देते हो जिसमें जॉब रोटेशन मैथड यूज़ कर सकते हैं आप मैंटरन का मैथड यूज कर सकते हैं आप कि उसको अपनी स्पे... लोकेशन नहीं छोड़नी कहीं और जाकर ट्रेनिंग देनी उसी जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहा है वहीं कर रही हैं वहां से उसने ट्रेनिंग देनी इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं ऑफकोर्स फायदा ये है कि आपके लिए कन्वीनियंस है आपके लिए इट इज इकनॉमिकली चीप बट इसका नुकसान ये हो सकता है कि आप वहाँ पर बाकी जो काम है उसको उसका हर्ज हो सकता है क्योंकि लर्निंग में तो आप गलतियां भी करेंगे सेकेंड इज ऑफ द चॉप ट्रेनिंग वेट यू एक्चुअली गो टू डिफरेंट लाइक आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं इंस्टीट्यूशन में जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं एंड द इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ दिस होल ट्रेनिंग थिंग इज दैट यू शुड ट्रांसफर दिस ट्रेनिंग फ्रॉम द क्लास रूम और फ्रॉम वेयर यू आर लर्निंग

उसका फायदा इसी पे डिपेंड करेगा कितना ज्यादा वो चीजें आप ट्रांसफर करते हैं अपनी जाब पे एंड व्हाई दिस ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फेल्स हम अमूमन आप देखते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग भी करवाई जाती है फिर भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती तो दो तीन रीजन देखते हैं एक तो वो मटीरियल उनके लिए पॉसिबल नहीं है लर्न करना जो कुछ आप उनको पढ़ा रहे हैं जो कुछ उनको सिखा रहे हैं दैट इज नॉट देयर कप ऑफ टी उनकी बस की बात ही नहीं है। और उस दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एप्लीकेशन उसका फायदा क्या उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है ट्रेनिंग तो वो ले रहा है उसको दो जमा दो चार से समझ आ रही है लेकिन इसका फायदा क्या होगा इसको कैसे यूज करना है अपनी जॉब के अंदर ही आर शी इज नॉट गैटिंग दोज थिंग्स दैट इज ऑल्सो वन रीजन दैट दिस ट्रांसफर इज ऑफ नॉलेज फ्रॉम क्लास टू जॉब इज नॉट टेकिंग प्लेस और फिर कभी कभी यह भी होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी उसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो सकता एंड सम पीपल हैव बैड मेमोरी दि माइफ आ गट इक्विकली वट दे आर लर्निंग कुछ लोग होते हैं कि उनकी रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है मेमोरी चीज़ों को मेमोरी डजन मीन कि आप मेमोराइज़ करें चीज़ों को रिटेंशन कितनी वो चीज़ें रिटेन करते हैं कितना याद रख सकते हैं कुछ लोगों कु नेचुरली भी कुछ हर एक इंसान का अब इसमें यह मतलब ना लीजिए कि कि किस चंद लोग अच्छे हो वो एक्सेप्शन होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं नॉर्मली अल्लाह तला ने हर एक का जो माइंड है वो ऐसा बनाया कि हमारी लर्निंग अच्छी हो सकती है फुल पुट आवर एफर्ट्स देयर द फोर्थ स्टेज द फोर्थ स्टेप इज द एवेल्युएशन पार्ट आफ्टर सेन इट यू इम्प्लीमेंट इट वट एवर मैथड यू हैव यूज लेक्चर दिया रो, जाब रोटेशन करवाई सिमलेन करवाई वट एवर नाउ यू हैव टू सी वेदर वर्क अ नॉट इट इट वर्क याद है वो जो शुरू में हमने बताई थी आपको स्लाइड तो वी हैव टू तो सी कि क्या उसका कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ वो ना सिर्फ उस वक्त की ट्रेनिंग को एवेल्युएट करने के लिए है बल्कि फ्यूचर की ट्रेनिंग के एवेल्यूशन में भी आपको हेल्प मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैट टू एवेल्युएट क्या चीज एवेल्यूएट करनी है आपने क्या वो जितने इवेंट थे वो पूरे ठीक हुए या वो जितने लॉजिस्टिक आपने अरेंज किए थे चाय पानी साथ खाना होना था वो ठीक ठाक हो गया और व्हाट? और उसका डिजाइन क्या होगा किस तरीके से आप उसको वैल्यूएट करेंगे लेट स्टार्ट विद व्हाट टू वैल्यूएट? ट्रेनिज रिएक्शंस, रिएक्शन मीन हेयर क्या सीखने और ट्रेनिंग से पहले जो वो परफॉर्म कर रहा था और फिर ट्रेनिंग के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल कोई हाई हुआ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई दैट इज वॉट यू हैव टू वेलो टेस्ट कर भी कर सकते हैं उसको अमूमन जिस तरह आपका आप जो लेक्चर सुन रहे हैं आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो क्या होगा लॉजिकली एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर बी टेस्टेड कोर्स दरमियान में भी आपके मुख्तफ एग्जाम्स चलेंगे असाइनमेंट चेक होंगे लेकिन फिर आपके एंड पे भी टेस्ट दिया जाएगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड इट आर यू काइंड ऑफ लेवल वेयर यू विल बी एबल टू नाउ यू कैन बी एबल टू यू आर एबल टू डिलीवर समथिंग तो टेस्टिंग इज अनदर वे अवैलेट करने की अप्रेजल इन अवर आर्गनाइजेशन सेटअप

प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस टेस्ट से पहले उसने जो परफॉर्मेंस थी और टेस्ट के बाद जो परफॉर्मेंस है या ट्रेनिंग के बाद जो परफॉर्मेंस है सिमिलरली ट्रेनिंग खुद एवेलुएट भी करते हैं आप देखते हैं कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो जो ट्रेनिंग लेने वाले ट्रेनिंग लेने वाले होते हैं वो भी अवेलुएशन करते हैं कि क्या उन्होंने कुछ सीखा जैसे आप कोई भी लेक्चर शुरू करते हैं कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो शुरू में ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं कि ओके एट द एंड ऑफ दिस स्टडी और दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स तो अगर आप खुद आप एसेस करके देख सकते हैं कि क्या आप इस काबल हुए कि वो चीज़ें कर लें तो ये भी एक तरीका है और वो ट्रेनिंग के बाद जो चेंज आएगी ऑर्गेनाइेशन के अंदर उसकी वजनमेंट तो भी से भी आप अवेल्युएट कर सकेंगे कि आपकी ट्रेनिंग ने कुछ काम किया क्या नहीं एंड वेन वी आर टाकिंग अबाउट अवेलुएशन डिजाइन या टू सी वेट ऑलवेज वेन एवर वी कंपेयर थिंग्स वी कंपेयर विद समोल कंट्रोल मीन जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ आपके पास दस लोग काम कर रहे हैं आपने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है तो हमें इनकी ट्रेनिंग करनी है नाओ वेन यू हैव डिसाइडेड टू ट्रेन इंग ट्रेन पी दोज पीपल तो लेट सी कि आपने पिक किया कि चार लोगों से शुरू करते हैं चार चार के ग्रुप बना के हम इनकी ट्रेनिंग करेंगे तो चार लोगों को ही आपने ट्रेनिंग दी और जिनको ट्रेनिंग नहीं दी दैट ग्रुप कैन रिप्रेजेंट नाउ द कंट्रोल ग्रुप जिनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी और जिनको ट्रेनिंग दी दैट इज द ग्रुप वेयर विच हैज बिन गिवेन द ट्रेनिंग पार्ट आप इन दोनों की परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के बाद कंपेयर करके देखें यह भी एक तरीका है आपको एवेल्यूएट करने का अपना ट्रेनिंग मैथड्स को ट्रेनिंग्स को कि उसका कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा सिमिलरली दोनों को अफकोर्स कंट्रोल को भी और जिनको ट्रेनिंग दी है दोनों को प्री ट्रेनिंग टेस्ट ले लें और फिर ट्रेनिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस देख लें उनके टेस्ट कर लें इस तरीके से भी आप अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस को वेल्युएट कर सकते हैं सो वट यू थिंक एंड अफ फॉर ट्रेनिंग आई थिंक ट्रेनिंग इज नॉट फिनिश येट वी हैव टू गो लेट एप बिट फर्दर बट लेट स्टॉप इट हेयर फॉर टूडेज लेक्चर बट वी हैव टू क्विकली गो बैक एंड रिव्यू दिस टू टॉपिक्स एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर लेट्स वट वी हैव कवर टूडे फेजेज ऑफ ट्रेनिंग कौन सी चार फेजेस थी आप जरा रिकॉल करके मुझे बताइए फोर फेजेस फोर स्टेप फोर स्टेजेस वट एवर यू से किस जगह स्टेप लिखा है किसी जगह फेजेस कहा गया है किसी जगह स्टेजेस कहा आ गया है तो देर ए फोर फेजे राइट तो फेज नंबर वन

अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो फिर उसका हल कैसे निकालेंगे तो सबसे स्टार्ट ही इंपॉर्टेंट से शुरू हो रही है कि व्हाट इज द इशू व्हाट इज द प्रॉब्लम आप डॉक्टर के पास जाते हैं अगर वो आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा तो फिर मेडिसिन क्या देगा और आपका आप ठीक कैसे होंगे ट्रेनिंग इज द सेम वे सो इफ यू पिक यू हैव आइडेंटिफाई रॉन्ग काइंड ऑफ इशू a wrong problem which is not related to whatever actual problem is there what is going to happen all your four next three stages they will be wastage of time money resources and of course it's key opportunity cost they can to stage issue care the problem care so when it is clear now naturally the next stage should be what to do तो दूसरी फेज दूसरी स्टेज जो है यू हैव टू डिजाइन इट एंड हाउ यू विल डिजाइन इट क्या क्या कंटेंट होंगे किस तरह कौन सी चीज है किस चीज को देखना है क्या क्या चीजें उस ट्रेनिंग के अंदर शामिल करनी है जिस तरह हमने आपका जब एच का कोर्स हम डिजाइन कर रहे थे सो दैट वॉज वन वे दैट वी शुड राइट अवे गो एंड स्टार्ट विद योर रिक्रूटमेंट सेलेक्शन वो जितने भी प्रोसेस हैं हमने शुरू किया था एच आर एम का पार्ट बट वी रियलाइज नो आफ्टर दिस डिस्कशिंग विद अवर कोलिग्स दिस इज अ कोर्स फॉर बी एस लेवल स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड नहीं है बेसिक मैनेजमेंट का उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बेसिक ऑर्गनाइशन बिहेवियर की चीजें नहीं पढ़ी हुई सो वी एन बैक एंड वी रीडिजाइन दिस कोर्स अगेन और उसने भी कोशिश की कि वो कंटेंट डालें तरह हमने शुरू बेसिक मैनेजमेंट से किया ओबी से किया क्यों क्या कि हमें पता था कि ऑडियंस कौन है किन के लिए कोर्स डिजाइन हो रहा है और अगर एक मैनेजमेंट साइंस के लोगों के लिए कोर्स डिजाइन होता है तो इट शुड है स्टार्टेड इन सो नंबर इज डिजाइनिंग द ट्रेनिंग जब डिजाइनिंग होगी तो वॉट इज नेक्स्ट यू हैव टू डिलीवर इट हाउ विल द ट्रेनिंग बी गिवन कौन सा मैथड यूज करेंगे लेक्चर ही सबसे पहले क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगी और फिर अगर एक चीज डिसाइड होगी नहीं अपने सेटअप में वहीं भी रह की कि ट्रेनिंग करनी है तो फिर उसमें भी कौन सा तरीका करना है क्या मैंटरिंग का तरीका होगा जॉब रोटेशन का होगा और वट ये सारी चीजें लिंक करती जाती हैं पहली स्टेज से Issue? care, problem problem? And based on that, then you move there. So the last stage, evaluation. And as I, as I said earlier, this is not only important for this particular training which we are talking. Even this evaluation will affect your future training. और जब वैल्यूशन की बात करते हैं हाउ विल वी नो दैट इट इज इफेक्टिव और डिट इट वर्क सो जैसे हमने देखा कि हाउ विल नो दैट इट इज इफेक्टिव वो तो उसका तरीका बड़ा आसान है कि जिनको ट्रेनिंग दी है उनकी परफॉर्मेंस देख लें क्या कोई फर्क पड़ा है बेहतर हुआ है और उनको कंट्रोल के साथ कंपेयर कर लें दोनों को ट्रेनिंग से पहले का भी टेस्ट कर लें ट्रेनिंग के बाद का भी टेस्ट कर लें और इफ देर इज ऑब्वियस डिफरेंस देयर देन रियली वी कैन से दैट दिस ट्रेनिंग हैज वर्क, अदरवाइज व्हाट टू डू यू हैव टू गो बैक अगेन इट इवन यू कैन स्टार्ट दर वो फिर वो स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं ना कि क्या इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हुई है जो ट्रेनिंग मेथड आपने सोचा था उसने प्रॉपरली काम किया जिसने ट्रेन करना था उसने प्रॉपरली किया लेट्स सी वो भी ठीक हुआ तो इसका मतलब है आपका ट्रेनिंग डिजाइनिंग में प्रॉब्लम था वहां पे आपने गलत डिसाइड किया कि क्या क्या इसमें शामिल करना चाहिए था इफ लेट सी कि दैट वाज आल्सो राइट अकॉर्डिंग टू द इशू देन द प्रॉब्लम इज विद द इशू यू हैव आइडेंटिफाई रॉन्ग इशू यू पिक्ड रॉन्ग प्रॉब्लम दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी डिफरेंस सो so, ये तो बिल्कुल उसी तरह एक मैनेजमेंट प्रोसेस की तरह है कि यू प्लान यू इंप्लीमेंट एंड यू कंट्रोल इट एंड कंट्रोल इज बेसिकली डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या आप देखते हैं कि क्या मुझे जिस तरह मैंने प्लान किया था और जो सोच के मैंने प्लान किया था मुझे वो रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे एंड दैट इज वाट इज हैपनिंग इन दिस ट्रेनिंग पार्ट तो लास्ट फेज इस अवैलेशन एज एस एन और अवैल्युएशन में वही चीज़ चीजें डेटेड वर्क अगर तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो एक्सीलेंट अदरवाइज रिवैल्युएटेड और इन्हीं चीजों से सीख के पर अगली जो फ्यूचर की ट्रेनिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लाएंगे उसमें आपको हेल्प होगी तो वट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक नाउ आई वी डन विथ ट्रेनिंग नो वी स्टिल हैव टू गो

कस्टमर सेटिस्फाई नहीं आपके आप डेफिशिएंसी फील करते हैं एंड सो ऑन बट अगेन वी कैन गो बिट मोर डिटेल अबाउट दी पर्पज ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और फिर थोड़ा सा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को भी देखेंगे क्या है और ऑल टूगेदर ये शायद आपको याद हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने इसको डिफाइन भी किया था लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमारा उसके अंदर हमने देखा था कि ट्रेनिंग इज फॉर दी करंट जॉब एंड डिवेलपमेंट इज फॉर फ्यूचर जॉब आपकी प्रमोशन होनी है आपकी अगली स्टेज पे किसी हाई uh, लेवल पे जाके काम करना है सो वट एवर ट्रेनिंग आर एजुकेशन विल डू दैट विल बी द डिवेलपमेंट पार्ट इन चीजों को भी थोड़ा सा दोबारा देखेंगे एंड वेरी ब्रॉडर पिक्चर में जो ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है एक तो ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही आगे एक कंपोनेंट है जिसे हम एचआरडी भी कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट और एचआरडी कभी कभी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए भी यूज होता है बट हेयर विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट वो क्या चीज है और वहां उसका और ट्रेनिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको समझने की कोशिश करेंगे सो बट फॉर दैट now you have to first complete whatever we have discussed in today's lecture and also read more about training so that you should be comfortable when we are discussing in lecture number 23 next time so should we stop it here so let me stop it here and i hope you have understood this basic training concept I will urge again. Please go through those topics in your text and come prepared next time too. With these, start. Thank you very much. Assalamualaikum.